सदासिन्नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। प्रोफेसर सिल्वेन लेवी का कहना है कि देवी सरस्वती के भक्तों में से सिर्फ कालिदास के भाग्य में थी ऐसी शाहकार रचना जिसे एक टकसाली ग्रंथ माना गया, जिसकी भारत ने भी सराहना की और संसार ने भी मान्यता दी। जो प्रशंसा की तालियां शकुंतला नाटक के जन्म पर उज्जैनी में सुनाई दी वो सदियों बाद सारी दुनिया में गूंजने लगी जब विलियम जोन्स ने पश्चिमी देशों को इस नाटक का परिचय दिया। कालिदास ने आसमान के उन बुलंद सितारों के मंडल में जगह पाई जहां हर नाम एक पूरे दौर की रूह का नुमाइंदा बनकर चमकता है। प्रियंवदा, गांधर विवाह करके शकुंतला ने अपने अनुरूप पति तो पा लिया है, पर फिर भी मेरा मन उसके लिए निश्चिंत नहीं। नगर में जाकर अपने अंतरपुर की स्त्रियों से मिलने के बाद जाने राजा को उसकी याद आती भी है कि नहीं। तू विश्वास रख, पर तातकर्ण तीर्थयात्रा से लौटने के बाद जब इस बात को जानेंगे तो उन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वे इसका अवश्य हम समर्थन करेंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। लगता है किसी अतिथि के शब्द है। पर वहाँ पर्वशाला में शकुंतला तो है ना। है तो, परंतु आज उसका मन उसके पास नहीं। चल देखते हैं। अलक निरंजन। हे मदिर नयने, मदिर अलक निरंजन, तुम्ही केवल तुम्ही मेरे, मैं अतिथि हूँ और तू इस तरह मेरा अनादर कर रही है। मदिर नयने, तुम्ही केवल तुम्ही मेरे, नहीं दिखता सामने आया तपस्वी तो यही होगा शकुंतले, कि जिसके ध्यान में डूबी हुई तू भूल जाएगा वह तुझे इस तरह। एक पागल भूल जाता अपनी कही हुई बात को जिस तरह। रुक जाइए मास्टर, रुक जाइए। आपके तप का प्रभाव वो नहीं जानती महाराज, उसने बेटी समझकर उसका ये पहला अपराध क्षमा कर दीजिए। मेरी कही हुई बात तो अब लौट नहीं सकती। हाँ, यदि स्मारक के रूप में दिया गया उसका कोई आवरण यह उसे दिखा देगी तो इसके सिर से सांप की छाया उतर जाएगी। जाते हुए राजश्री ने अपने ही नाम की अंगूठी स्मारक के रूप में शकुंतला को दी थी। अब तो शाप उतारने का उपाय
अपने पास ही है। हाँ ये तो इस यजमान का सौभाग्य है बेटी कि आंखें धुएं से रुंधी होने पर भी आहुति यज्ञ की आग नहीं गिरी। अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या की तरह तू आज मेरे लिए सार्थक सिद्ध हुई है। मैं आज ही तुझे ऋषियों के संरक्षण में तेरे पति के पास भेज दूंगा। पर तात्कर्ण आपको इस घटना का पता कैसे चला? मैं हवन के लिए अग्नि के समीप बैठा ही था कि एक छंदमयी अशरीरवाणी ने कहा, शमी वृक्ष से आग लिए है तेरी कन्या अपने अंदर, धरती का कल्याण करेगी, दुष्यंत बीज को अपने में धारण कर। ये तो कितनी अच्छी बात हुई। सुनो अनुसुईया जी, ऋषि शार्ग्रह और शार्दवत से कह दो कि बेटी शकुंतला को ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। घनी खिन्नता डाल रही है मुझ पर छाया, रोके जो आंसू तो स्वर गीला हो आया। ये वनवासी और विरागी आंखें तक पथराई, कैसा अचरज चिंता की बदली घिराई। ये मेरी स्थिति तो क्या करता होगा घर बारी, जब बेटी के वियोग की आती होगी बारी। कितना दर्द पीर भी कैसी अनुभव करता होगा, जब अपने ही हाथों अपनी पुत्री देता होगा। पुत्र को मिलने के मन में बहुत उत्सुकता है, परंतु आश्रम को छोड़ के जाने में इतना दुख हो रहा है कि पांव आगे नहीं बढ़ रहे। शकुंतला, केवल तुझे ही आश्रम छोड़कर जाने का दुख नहीं है, तू यहाँ नहीं रहेगी इस बात से देख सारे आश्रम की क्या अवस्था हो रही है। घास निकली नहीं जा रही हिरनी से, नाचती हुई मोरनी का पांव सहसा थम गया, पात पीले झर रहे हैं इन लताओं से, मुझे लगता है हाय देखो अश्रु उनका ढल गया। वन जोचना प्रिय, वन जोचना। जाने से पहले अपनी बहन वन जोचना से भी एक बात कर लूं। वन जोचना प्रिय, वन जोचना, दूर जा रही हूँ मैं तुमसे, दूर जा रही हूँ मैं तुमसे, मुझे विदा दो प्रिय वन जोचना, प्रिय वन जोचना, प्रिय वन जोचना।
रो मत बेटी, धीरज रख, आंख अपलक आंसुओं से रुंध गई है, सामने की असमतल धरती नहीं अब दिख रही है। रोक बेटी, रोक अपने आंसुओं को, क्योंकि पथ पर पांव तेरे नहीं सीधे पड़ रहे। भगवान, सुना है बंधुजन पानी की सीमा तक ही लड़की को छोड़ने आते हैं। ये सामने नदी का तट है, अब जो भी संदेश वहां देना हो वो हमें बताकर आप लौट जाएं। बेटा शांग्रव, शकुंतला को सामने करके राजा को मेरी ओर से कहना। आज्ञा दे भगवान, क्या कहना होगा? ध्यान रखना, तपस्या ही है हमारी संपदा, ध्यान रखना अपनी उच्च वंश मर्यादा, ध्यान रखना बिना इसके बंधुओं की अनुमति लिए तुमने जब कस ही लिया प्रीति बंधन में, तो अब उस तरह रखना कि जैसे रह रही हैं दूसरी भी पत्नियां। शेष है सब भाग्य के अधीन, हम के जो हैं वधु संबंधी कुछ नहीं कह पाएंगे, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेटी, पति से तुझको मान मिले, पाया ययाति से शर्मिष्ठा ने जैसा, शर्मिष्ठा की भांति तुझे भी पुत्र चक्रवर्ती ही मिले, पुरु जैसा। एक बात और कहनी है बेटी, गुरुजन की सेवा करना, सपत्नियों को सखी मानना, क्रोधित पति यदि तिरस्कार भी दे तो भी तू प्रतिकूल न बनना, सेवकों को आदर देना, उदार रहना, सुख साधन पर गर्व न करना। बेटी यदि ऐसा बर्ताव करेगी गृहिणी का पत्तू पाएगी, और यदि विपरीत चलेगी तो कुल का अभिशाप बनेगी। इसे ध्यान में रखना बेटी, कभी भूल मत जाना। मैंने पर्वत से उखड़ी चंदन लता की तरह पिता की गोरी से छूट कर मैं वहां जीऊंगी कैसे? बेटी, उस वैभवशाली घर में तू अनगिन कामों में उलझेगी, हर पल व्यस्त रहेगी, इतनी मेरी याद नहीं आएगी, भूल जाएगी मुझको भी तू, वियोग की पीड़ा को भी तू भूल जाएगी। राम करती हूँ पिता। बेटी, जीवन में वो सब कुछ तुझे मिले जो कि तेरे लिए मेरे मन में है। बच्चों, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। शिवास्ते संत पंथाना। ओरे भवरे, तू भूल गया सुर संयोग। लगता है देवी हंसवती वर्णों का अभ्यास कर रही है। मित्र, इस गीत का शब्दार्थ भी कुछ समझे हो? शब्दार्थ यह है कि गायिका को केवल एक ही बार हमसे प्रणय मिला है, इस तरह से देवी हंसवती ने हमें उलाहना दिया है। तो माधव,
जाकर देवी हंसवती से कहो कि हमें उलाहना ठीक तरह से मिल गया। जैसी आज्ञा। अब जाओ भी। किसी प्रियजन का वियोग नहीं, फिर भी इस तरह का गीत सुनकर मन में जाने क्यों उत्कंठित हो उठा है। या फिर एक रमणीय दृश्य, एक मधुर शब्द जो सहसा एक व्यक्ति के मन को भी आंदोलित कर देता है, क्या इसका कारण पूर्व जन्म का परिचय नहीं रहता है? पहचान से परे भाव समाया मन के किसी अजानी गहराई में एकाएक जाग जाता है। देव की जय हो। हिमालय की घाटी के वन से कुछ एक तपस्वी ऋषि कर्म का संदेश लेकर आए हैं। दो एक स्त्रियां भी उनके साथ हैं। कर्म का संदेश लेकर तपस्वी आए हैं और साथ में स्त्रियां भी हैं? जी हां। तो जाकर उपाध्याय सोमराज से मेरी ओर से कहो कि वेदोक्त विधि से तपस्वियों का सत्कार करके स्वयं उन्हें साथ ले आए। जैसी देव की आज्ञा। मेरी दाइयां क्यों फड़फड़ा रही है? अमंगल शांत हो बेटी। तापसगण, ये रहे वर्णाश्रमों के रक्षक हमारे राजा। आसन छोड़कर ये आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। कौन है वो साथ इनके? देह का लावण्य भी तो है छिपा घूंघट तले, क्यों भला झलके? कौन है वो साथ इनके? वो घिरी है तापसों में, लग रही जैसे कि कोंपल छिपी पीले पात में। कौन है वो साथ इनके? कौन है? हृदय, क्यों इतना कांपते हो? आर्यपुत्र की उस भावना का स्मरण करके तुम्हें धीरज रखना चाहिए। तुम्हारी विजय हो राजा। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। स्वस्ति देवाय। वहां तपस्या में कोई बाधा तो नहीं है? हे सदाचार के रक्षक, धर्म कार्य की सिद्धि में संकट कैसे आए? क्या सूरज के चमकते अधियारा रह पाए? यह सुनकर मेरा राजा कहलाना सार्थक हो गया। महर्षि कर्म सकुशल तो हैं। उन जैसे सिद्ध व्यक्ति की कुशल तो उनके अपने हाथ में रहती है। उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि क्या आदेश दिया है उन्होंने? कि पारस्परिक प्रतिज्ञा के आधार पर आपने जो हमारी बेटी से विवाह किया, इसके लिए हमने स्नेह पूर्वक अपनी अनुमति दे दी है। तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि, ये शुभता की मूर्तिमती क्रिया, वर और वधु के रूप में तुम दोनों को मिला दिया, क्या इसके बाद किसी ने प्रजापति की निंदा करने का साहस भी किया? राजन, अब ये एक जीव को जन्म देने जा रही है, इसलिए साथ रहकर धर्माचरण के लिए इसे यहीं अपने पास रखें। भद्रमुख, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, किंतु शायद मेरे बोलने का अवसर नहीं। आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? न इसने लिए अपनी गुरुजन की अनुमति, न तुमने अपने परिजन की सम्मति। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसको लेकर कोई कहे तो आखिर क्या कहे? जाने आर्यपुत्र अब उत्तर में क्या कहेंगे। अरे ये आप लोगों ने कैसी कहानी शुरू कर दी? ओह, कैसे आक्षेप और तिरस्कार पूर्ण शब्द हैं ये। क्या क्या कहा आपने? कहानी शुरू कर दी? आप क्या समझते हैं कि लोक व्यवहार की बातें केवल आप ही जानते हैं? प्याहता जो सती साध्वी, रहती पिता के घर अगर चिरकाल तक, तो लोग जाने क्या न कहते उस बेचारी को।
इसलिए पति की चहेती हो न हो उसे तो रहना पड़ेगा संग पति के, मानकर अपना पति ग्रह को। आप कहना चाहते हैं कि मैं इस तपस्विनी से विवाह कर चुका हूं? ले हृदय, अब तेरी आशंका तेरे सामने है। क्या यह एक राजा के लिए उचित है कि अपने किए का पश्चाताप उसे धर्म मार्ग से टिकाते? पर ऐसी अशुभ कल्पना आपके आधार पर कर रहे हैं। हाय रे ऐश्वर्य के मद, तुझी में से फूटता है ऐसे विकारों का महानद। आप बहुत आक्षेप कर रहे हैं मेरे ऊपर। बेटी लज्जा छोड़, मुझे अपना घूंघट हटा लेने दे, जिससे स्वामी तुझे पहचान लेंगे। हे मदिरा नयने, मदिरा नयने, तुम्हीं केवल तुम्हीं मेरे हृदय में, मदिरा नयने। ये रूप अनिंद सुलभ इतना परिग्रहण किया कि नहीं किया? संशय में है मन, इसको स्वीकार करे या अपनाए नहीं। लगता है मैं वो भंवरा हूं और कमलिनी बाई टटकी है, स्पान नहीं कर सकता हूं, वो तो तुषार से लिपटी है। राजा चुप क्यों है? ऐसा है तापसगण, बहुत सोच विचार करने के बाद भी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कब पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब इसके गर्भ लक्षणों को देखते हुए भी यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं तो यह क्षत्रिय उचित कार्य नहीं है। इन्हें तो विवाह में भी संदेह है, इससे तो दूर तक फैलाई मन की आशा लता सर्वथा टूट गई। सौंप दे जैसे चुराया धन धन स्वामी चोर को, सौंपते हैं महर्षि दूषिता बेटी तुम्ही को, जिसे तुमने ही किया है दूषिता। चोर स्वामी का करे अपमान, राजन हमें करना चाहिए अब तुम्हारा सम्मान। तुम ठहरो शरंगरव, देखो शकुंतला, हमें जो भी कहना था हमने कह दिया, उत्तर में ये जो कह रहे हैं वो भी तुमने सुन लिया। अब इन्हें विश्वास दिलाने के लिए जो भी तुम कहना चाहती हो कहो। तब इनका कैसा अनुराग था और आज इनकी ऐसी बातें, ऐसे में याद दिलाने से भी क्या होगा। पर अपने पर से तो कलंक मुझे मिटाना ही चाहिए, इसलिए कुछ कह देती हूं। आर्यपुत्र औरव, तब आश्रम में अपने सद्भावपूर्ण बातों से मेरे हृदय को भुलाकर और शपथ के साथ तरह तरह के आश्वासन देकर आज इस तरह के रुखे शब्दों से मुझे तिरस्कृत करना क्या आपको शोभा देता है? शांतम पापम, कर रही तू वंश को मेरे कलंकित और कहती है कि मैं हूं पतित। सच तो यह है गंदली नदी जब तोड़कर तट तोड़ती है, स्वच्छ जल की धार भी होती मलिन तब, और तट के वृक्ष भी होते धाराशाही। अच्छा, यदि सचमुच आप मुझे पराई स्त्री समझकर ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको एक स्मृति चिन्ह दिखाकर आपकी आशंका दूर कर देती हूं। बहुत संगत बात है ये। अंगुली में से अंगूठी कहां गिर गई? हो सकता है नदी में तीर्थ जल की वंदना करते समय तुम्हारी उंगली से निकलकर गिर गई हो। इसी को तो स्त्रियों की सूझबूझ कहा जाता है। ये तो भाग्य ने अपनी प्रभुता दिखाई है, मैं और याद दिलाती हूँ आपको। अब तो हर बात सुननी होगी। वो एक दिन की बात है ना, जब आप कमलिनी पत्र के दोने में भरा पानी अपने हाथों में लिए थे। हम सुन रहे हैं। तभी दीर्घापांग नामक एक मृगशावक, जिसे मैं अपने बच्चे की तरह मानती थी, हमारे पास आ गया। वो पहले पानी पी ले ये सोचकर आपने उसे स्नेह से अपने पास बुलाना चाहा था, परंतु वो आपसे परिचित नहीं था इसीलिए आपके पास नहीं आया। फिर वही पानी जब मैंने अपने हाथों में ले लिया तो वो मृगशावक पानी पीने के लिए मचलने लगा। तभी आपने हंसकर कहा था कि लोग सिर्फ अपनों पर ही विश्वास करते हैं, तुम दोनों वन जीव हो ना। काम साधने के लिए ऐसी मीठी मीठी और झूठी बातें करके केवल विश्वासक्त व्यक्तियों को ही अपनी ओर खींचा जा सकता है। देखिए
आप ये ठीक नहीं कह रहे हैं। तपोवन में पली ये लड़की छल कपट की बात एकदम जानती ही नहीं। बूढ़ी तपस्विनी, बिना सिखाए उक्ति है पशु की पंखी की मादा में बेहद चतुराई, और फिर मानवीय बुद्धिमती वो, उसकी हम क्या करें बड़ाई। कोयल काली मीठे सुर वाली उड़ न पाते बच्चे जब तक, अन्य पक्षियों से करवाती पोषण तब तक, जन्मजात चतुराई। अनार्य, जैसा तुम्हारा अपना हृदय है वैसा ही तुम हर एक का समझते हो। घास फूस से ढके कुएं की तरह तुम धर्म के बाने में अपनी वास्तविकता छिपाए हो। दूसरा कौन तुम्हारा अनुकरण कर सकता है? वन में रहने के कारण इसके क्रोध में छल नहीं है, आंख में है क्रोध की लाली, नहीं है वक्रता लेकिन रुष्टवाणी, नहीं है आरोह या अवरोह लेकिन कांपता है अधर नीचे का, कि जैसे शीत पीड़ित झुकी बोहें तिरछी, एक ही है स्थान पर विजड़ित। फिर मुझे संशय में देखकर इसे जो क्रोध आ रहा है उसमें किसी तरह का कपट भी नहीं लगता। इसे लगता है कि मैं निर्मम हृदय हूं जो भुला इसको और इसके साथ एकांत प्रणय को कर रहा हूं अब नहीं स्वीकार। शायद इसी से आंख इसकी हो उठी है लाल और भौहें इस तरह टेढ़ी कि जैसे एक झटके में दिया हो तोड़ इसने धनुष कामदेव का। देखो भद्रे, दुष्यंत के चरित्र को सब लोग जानते हैं, उसकी तो प्रजा में भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। विश्वास करके तू एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जा पड़ी है जिसके मुंह में शहद है और हृदय में विष। निर्बाध स्वेच्छाचार इसी तरह तो मन को सालता है। यदि मिलन एकांत का तो यही आवश्यक कि पहले पाए परिचय व्यक्ति का, जिसका हृदय अज्ञात तो फिर स्नेह उसका रूप लेता बाद में है शत्रुता का। सुनिए तो, हमसे कोई अपराध नहीं हुआ, आप इनकी बात पर विश्वास करके हम पर निराधार आक्षेप कर रहे हैं। सुना आपने ये हीन उत्तर? छल कपट क्या जन्म से जाना नहीं, बात उसकी नहीं विश्वसनी, और जो विद्या समझकर सीखता धोखाधड़ी, बात उसकी कही जाए विश्वसनी। मान लें हम सत्यवादी उस पुरुष को। अच्छा, मान लिया कि हम ऐसे ही हैं, केवल आप ही लोग सत्यवादी हैं, पर इस बेचारी को धोखा देके हमें मिलेगा क्या? अधा पतन होगा तुम्हारा। पौरवों में किसी का अधा पतन हो ये बात विश्वास करने की नहीं है तपस्वी। राजा, अधिक कहने सुनने में कुछ नहीं रखा है, हमने गुरु के आदेश का पालन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं। इसे करो स्वीकार तुम या कर दो इनकार, अपनी पत्नी पर तुम्हें पूरा है अधिकार। चलो गौतमी, चले यहां से। इस दूत ने मुझे धोखा दिया है और आप सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। बेटा शारंगरव, अब ये परित्यक्ता यहां क्या करेगी? अपराधिनी, ये अब तेरी कैसी स्वच्छंदता है? ये तू जान ले शकुंतला कि यदि राजा की बात सत्य है तो तू जैसी कुल कलंकिनी का क्या होगा हम नहीं जानते,
और अगर तू समझे कि शील पावन है अपना, तो कर ले अब स्वीकार पति के घर में दासी बनके रहना। इसलिए तू यही रुकी रहे, हम लोग जा रहे हैं। इस बेचारी को क्यों कोस रहे हो तपस्वी? चांद कुमुद को सूर्य कमल को सदा खिलाता है, संयमशील पुरुष पर स्त्री से सदा विमुख रहता है। राजा, यदि मान लिया जाए कि मानसिक संगुलता के कारण तुम इस बात को भूल गए हो, तो भी क्या पत्नी का परित्याग करने में तुम्हें पाप की आशंका नहीं है? राजपुरोहित, राजपुरोहित आप ही बताएं कि उचित और अनुचित का निर्णय कैसे हो। मेरी मति काम नहीं करती, या ये नारी असत्य कहती है? इस संशय में मैं हो जाऊं पत्नी परित्यागी या एक पराई स्त्री का भोगी? तो ऐसा किया जाए, आप आज्ञा दें कि प्रसव होने तक ये मेरे घर में रहे। ऐसा क्यों? कुछ अच्छे ज्योतिषी पहले ही आपको बता चुके हैं कि आपके चक्रवर्ती पुत्र होगा। यदि ऋषि का नाती उन लक्षणों से युक्त होगा, तो इसे आप आदर पूर्वक अपने अंतरपुर में रख लीजिएगा। न हुआ इसका अपने पिता के यहां जाना निश्चित है ही। कैसी आपकी आज्ञा। बेटी मेरे पीछे पीछे आओ। धरती तुम पट क्यों नहीं जाती, मैं तुझमें समा जाती। महाराज, आश्चर्य आश्चर्य महाराज। क्या हुआ अब देव? एक बहुत ही अद्भुत बात हुई है। क्या बात? जब कण्व के शिष्य चले गए, तो कोसती हुई भाग्य को अपने उठाकर बाह जो रोने लगी वो बालिका, क्या हुआ तब? उसी पल अप्सरा सी ज्योति उतरी गगन से स्त्री सदृश, और लेकर बालिका को गोद में वो तिरोहित हो गई। आश्चर्य, हमने तो पहले ही उसे स्वीकार कर दिया था, अब व्यर्थ में कुछ भी सोचने से क्या लाभ। आप जाकर विश्राम करें। वो चली गई वो मुनि कन्या, अपमानित होकर चली गई। नहीं स्मरण आता मुझको उसे पत्नी माना कभी भी। फिर क्यों उठती है मन में पीड़ा गहरी और घनी भी? क्यों होता विश्वास कि वो सच कहकर चली गई? वो चली गई वो मुनि कन्या, अपमानित होकर चली गई। मल्लिका, मल्लिका, आर्य मातुल, आप इस वर्षा में? इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर की सेवा कोई शरणी नहीं थी। सोचा जो भी हो मेरे लिए तो तुम आज भी वही मल्लिका हो। आइए ना। मैंने सुना आपने उज्जैनी छोड़ दिया है। राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती मल्लिका। आगे देखो तो प्रत्यारी जा रहे हैं, पीछे देखो तो प्रत्यारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी इस बात का पता नहीं चल पाया कि मैं प्रत्यारियों के आगे जा रहा हूँ या प्रत्यारी मेरे आगे जा रहे हैं। यह इस बात का बड़ा सुख है, ना ही कोई झुककर वंदना करता है
और न ही मुझे कभी इस बात का भ्रम होता है कि मैं आगे हूं या प्रत्याहारी। केवल ये वर्षा नहीं सही जाती। कपड़े सुखाने के लिए आग जलाऊं? तुमने इस घर की क्या स्थिति कर रखी है मल्लिका? अंबिका के न होने से इस घर की कोई स्थिति नहीं रही। ये सच है कि कालिदास की पत्नी प्रियंग मंजरी ने तुम्हारे लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेजी और तुमने लौटा दी? मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। उसने इस घर के परिसंस्कार के लिए भी स्थपतियों से कहा था। मुझे किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं लगी। आग जला दूं? वर्षा थम रही है। तुमने सौराष्ट्र का कोई समाचार सुना? मैं कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं, कोई भी समाचार कैसे सुन सकूंगी? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। सौराष्ट्र में विद्रोही शक्तियां सर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक से पता चला कि कालिदास ने सौराष्ट्र छोड़ दिया है। वो पुनः उज्जैनी चले गए होंगे? नहीं, वो उज्जैनी नहीं गया, मैं वहीं से आ रहा हूं। लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है, वो काशी चला गया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मैं जो भी कुछ कहता हूं वो सत्य नहीं होता, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूं, और नहीं गया है तो भी झूठा हूं। अब तो ये ठीक है ना? तुम ऐसे जड़सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। नहीं, यह स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहां हूं। 11 दिनों की यात्रा करने के बाद थका टूटा हारा हुआ यहां आया हूं कि यहां के यथार्थ को देख सकूं। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहां पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं सोच रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान, परंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया मल्लिका, सब कुछ। मैंने कुछ नहीं बदला। हाँ, संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई है। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद यहां आया हूं। सौराष्ट्र जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूं। आर्यमातुल से पता चला तुमने सौराष्ट्र छोड़ दिया है। लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, किंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं तो केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। द्वार बंद ही रहने दो। देख तो लो कौन आया है। कोई भी हो सकता है, इस वर्षा में किसी को भी आश्रय की आवश्यकता हो सकती है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कौन था ये? मुझे लगा कि मैं इस स्वर को पहचानता हूँ। मैं कैसे जान सकती हूँ, होगा कोई अजनबी। मैं यहां से उज्जैनी क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे ये आशंका थी कि राजधानी का वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और यह आशंका निराधार नहीं थी। मैंने वहां रहकर जो कुछ भी लिखा वो यहां के जीवन का ही संचय था। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे अलग हटकर लिखना चाहा तो
तो रचना प्राणवान नहीं हुई। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने अपने यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। रघुवंश मज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती हैं, किंतु सूत्र कुछ ऐसा टूटा कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा। तुम्हारी सारी रचनाएं मेरे पास हैं। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहां लौटाना चाहिए था। किंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर आज से आरंभ कर सकते हैं मल्लिका। इसके रोने का स्वर है ये मेरा वर्तमान है कालिदास। तुम्हारा वर्तमान? फिसल कर गिरे और जा पड़े खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम कितने ऊंचे मत चढ़ा करो, पर भैया विलोम क्यों मानने लगे? आकृति जानी हुई लगती है पर व्यक्ति नया सा दिखता है। आकृति बहुत बदल गई है किंतु व्यक्ति आज भी वही है। तो तुम हो? तुम मल्लिका, तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद कोई अतिथि घर में आए और उनका आतिथ्य न हो। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है पता नहीं आगे कभी आएगा भी या नहीं। तुम कह रहे थे तुम फिर आज से आरंभ करना चाहते हो। मैंने कहा था कि मैं फिर आज से आरंभ करना चाहता हूं, किंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि 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 वो प्रतीक्षा नहीं करता। अमरीकी विद्वान आर्थर राइडर ने कालिदास को खिराज अकीदत देते हुए लिखा, शायरी में लय पाना आम है, वैचारिक समझ भी नायाब चीज नहीं, लेकिन इन दोनों का संगम बिरले ही मिलता है। आज तक दुनिया में ऐसा संयोग शायद एक दर्जन बार ही हुआ है। कालिदास में यह अनूठा संगम था। उनका नाम सोफोक्लीज, वर्जिल और मिल्टन के साथ लिया जाता है।
हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।